बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन मसाला फ्राई। तो चलें अज़ा नोट करते हैं। लेकिन अज़ा नोट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि बीच में कुछ रहना जाए और आपकी परफेक्ट रेसिपी बने। तो चलें अज़ा नोट करते हैं कि चिकन मसाला फ्राई में क्या क्या अज़ा जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक चिकन लिया है, इसको अच्छे से धो के रख लिया है। इसमें जो अज़ा जाएंगे, 1.5 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर जाएगा, 1.5 टीस्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, और ये 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला पाउडर, जो चिकन रेडी हो जाएगी तो डालना है ऊपर से, आधा पाव जितना कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, ये आधा पाव दही है, और जो मसाले इसमें पिसके जाएंगे, तो ये देखें ये रेड चिल्ली लिए गोल वाली, और ये हरी मिर्चें तेज़ वाली मैंने लिए, और अदरक लहसुन लिया मैंने कुछ, ये थोड़ा सा धनिया लिया। ये मसाले सारे थोड़ा मोटा मोटा पिसके चिकन में जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिकन मसाला फ्राई। तो देखें जो मसाले इसमें पिसके जाएंगे चिकन में, मैंने जो अदरक लहसुन रखा था ये जाएगा, और ये धनिया है धनिया, और साबित मिर्चें जो रखी थी ये जाएंगी, और हरी मिर्चें इसके 2 टुकड़े करके इसमें मैंने सारी हरी मिर्चें डाल देना। तो देखें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दरदरा से पीसना है मुझे। तो देखें मैंने मसाला इस तरह दरदरा से पीस लिया है। चलिए अब इसमें मैरिनेट करते हैं चिकन में मसाले सारे। तो देखें जो मसाले हैं ये चिकन में जाएंगे, और इसके साथ ही जो दही रखा था ये भी इसी में जाएगा, और ये हल्दी पाउडर, ये नमक जो है ये जाएगा इसमें, और रेड चिल्ली पाउडर। जब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको आधा एक घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है, ताकि अच्छे से चिकन के अंदर मसाला रज बस जाए और इसमें खुशबू भी अच्छे से आ जाए। तो देखें चिकन में मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है, अब इसको आधे घंटे के लिए हमने कवर करके रख देना है। तो देखें चिकन मैरिनेट हो गया अच्छे से आधे घंटे से ज़्यादा, अब इसको फ्राई करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मैंने चिकन फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल रखा था वो मैंने डाल दिया। तो देखें ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैंने चिकन सारी ऐड कर दी, और इसमें पानी मैंने दही इसमें डाला था, दही अपना पानी छोड़ेगा, इसमें बस मैंने 1 गिलास के जितना पानी इसको जो धो के, देखिए इसके अंदर जो मसाला है बस इसके अंदर जो पानी है यही पानी इसमें जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, बस मैंने पानी इसमें डाल दिया है, और थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं गया इसमें, अब इसको कवर करके इसका सूखने का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अभी पानी इसका खुश्क हो रहा है, तो पानी खुश्क होने के बाद इन्हें अपने अच्छे से भुनाई करनी है। तो देखें अभी भुनाई पे आ गया है, अब इसको हमने अच्छे से भूनना है, और जो गरम मसाला रखा था आधा गरम मसाला अभी डालना है, आधा गरम मसाला जब भून जाएगा बिल्कुल तो उस टाइम डालना है। गरम मसाले से ये कि जो आधा मैंने डाला है तो इससे और अच्छे से इसमें खुशबू बच जाएगी चिकन फ्राई में, तो इसको बस अच्छे से भूनना है। तो देखें ये अच्छा सा भुनाई होगी, और जो बाकी आधा गरम मसाला मैंने रखा था ये ऊपर से जाएगा, और इसको 2 मिनट तक मैंने और भून के और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये चटपटा सा चिकन फ्राई मसाला रेडी है, आप बनाएं, आप इसको पराठे चटनी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, और खाली इसको आप 7-Up के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आप ट्राई करें, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए,
और आपके जितने रिश्तेदार हैं, अजीज अकारीब, उनके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।